हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो हमारी होने वाली है हाउ टू डू राइड इन बजट। टाइटल और थंबनेल से पता लगा तुंगनाथ की राइड की थी मैंने भाई 3500 में सिर्फ। अगर आप भी घूमने की शौकीन है और बजट आपका लो है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आप भी मेरी तरह, तो भाई सही चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो में बताता हूँ भाई कैसे कैसे राइड करें, कहाँ रुकें, कैसे कैसे खाना खाएं। सबसे पहले आता भाई व्हीकल, अगर 100 cc के सेगमेंट में आए तो भाई एवरेज होगी सही आपकी। स्प्लेंडर भी है ना, तो कम से कम 60-65 की एवरेज आराम से आती है स्प्लेंडर की, ठीक है। मेरी एक्टिव की आई थी एवरेज 51 की, 825 किलोमीटर हमने कवर करते, 4 दिन और 3 रात की हमारी राइड थी। पहले दिन में हम रुद्रप्रयाग तक पहुंच गए थे, ठीक है। वहाँ पे जो हमने होटल लिया था वो 1200 रुपये का पड़ा था, हम 3 बंदे थे तो वो 400-400 रुपये डिवाइड हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने खाना बाहर खा लिया था, बाहर खाया था हमने 3 बंदों ने, 400-450 रुपये खाना खाया था, वो डिवाइड हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हमने सीधा चोपटा जाके खाया था, ठीक है। उत्तराखंड में रोड साइड डब्बे वहाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ता खाना मिलता है। हमने जिस दिन फर्स्ट डे हम जा रहे थे देवप्रिया खाया था हमने, 70 रुपये की थाली थी, उसमें 5 रोटी थी, चावल थे और सब्जी अनलिमिटेड थी, ठीक है। मतलब 70, 80 और 100, इससे ऊपर नहीं मिलेगा जो रोड साइड डब्बे और बाकी जो हाई फाई हैं थोड़े उनमें थोड़ा महंगा है। पर ऐसा नहीं है कि जो रोड साइड है ख़राब है, बहुत बढ़िया खाना होता है उनका, बहुत टेस्टी होता है, वहाँ रोटी और चावल भी बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहे हो ना तो बहुत सस्ते में आपकी राइड हो जाती है, ठीक। दूसरा था स्टे, पहले दिन जब बता देता रुद्रप्रयाग रुके थे, ठीक। अगले दिन जब चोपटा से ट्रैकिंग करके वापस आए तो हम उखीमठ में रुके थे, वहाँ पे आश्रम मिल गया था एक, वहाँ पर 150 रुपये लिए थे और उन्हीं आश्रम वालों ने बता दिया था हमें, वहाँ 100 रुपये में अनलिमिटेड रोटियाँ थी और चावल थे और सब्जियाँ थी, मतलब कितना भी खाओ 100 रुपये में भरपेट बहुत हो जाता है, ठीक है। बंदा अगर एक जगह खाने बैठता ना, दाल भी 100 रुपये की आती है एक बंदे की और रोटियाँ अलग रहेगी। थर्ड आता भी फूड का, जैसे मैंने बता भी दिया, और बाकी देखो हर जगह का अलग अलग हिसाब है, आप कौन से गांव से जा रहे हो, किस साइड से जा रहे हो, जगह जगह का हिसाब है, कहीं पे 70 रुपये है, कहीं पे 80, कहीं पे 100। बाकी ये है 70-100 रुपये में बहुत बढ़िया खाना मिल जाता है, आराम से हो जाती है राइड। लास्ट बताता हूँ भाई पेट्रोल का मेरा कितना खर्चा होता, क्या उनके एवरेज के हिसाब से 1500 के करीब का मेरा लगा था पेट्रोल, ठीक है। मतलब पहाड़ों में भी बहुत सही एवरेज दे दी। और बाकी वैष्णो देवी गए थे, वहाँ पे 1250 किलोमीटर थी, वहाँ पे लगा था मेरा 2250 के करीब का, मतलब हाईवे पे थोड़ी सी कम हो जाती है एवरेज, 47 के आसपास, 48। और बाकी पहाड़ों में जैसे इकोनॉमी में चलती है 40-50, तो सही एवरेज आ जाती है। अगर 100 cc के सेगमेंट तक आपके पास बाइक है ना तो बहुत आराम से आप राइड कर लो। जैसे मैंने बताया कि आश्रम ढूंढो स्टे के लिए, ठीक है। फूड आपको रोड साइड में मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता दी, व्हीकल का बता दिया भाई अगर लो सी सेगमेंट है तो एवरेज सही आएगी, फूड का बता दिया कि ऐसे ऐसे रोड साइड ढाबे हैं जो वहाँ खाओगे तो वहाँ 70 से 100 के बीच में भरपेट मिल जाएगा, ठीक है। स्टे में आश्रम जहाँ रुके थे बहुत साफ सुथरा था, साफ सुथरा आश्रम था, ऐसे ही होटल में रुकना, ऐसे ही आश्रम में रुकना। अगर बजट लो है तो भाई आश्रम में रुको, क्योंकि देखो सबका अपना अपना बजट होता है, ठीक है। घर से सारा डिसाइड करके चलता हूँ कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर खाएँगे, कैसे कैसे होएगा। हरिद्वार जिस आश्रम में रुके थे हम, वो तो हमारे ने उनका तो आप देख लेना वीडियो में, बहुत बढ़िया आश्रम, आप जाओ तो चले जाना। अभी कोविड का फिर दोबारा सीन स्टार्ट होगा, उत्तराखंड में तो टेस्ट मांग रहे हैं और हिमाचल में हरियाणा वालों को तो नहीं मांग रहे, बाकी देखते हैं। अब हिमाचल का सोच रहे हैं प्लान, बहुत ही बढ़िया जगह है, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं प्लान, होप करते वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना, नेक्स्ट राइड की वीडियोज आएंगे उनको देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।